प्रेरणा कथा अंतिम होना भी लाभकारी है। एक बार सभी कुरूप लोग एक बस से यात्रा कर रहे थे। सभी यात्री बहुत ही उदास और क्रोधित लग रहे थे। यह स्पष्ट था कि वो अपने रूप से प्रसन्न नहीं थे। दुर्भाग्यवश उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सभी यात्री मर गए। मरने के बाद सभी स्वर्ग पहुंच गए। उनके दुख को देखते हुए स्वर्ग में उनको उनका स्थान देने से पहले भगवान ने सभी की एक एक इच्छा पूरी करने की घोषणा की। भगवान ने सभी को एक पंक्ति में खड़ा होने का आदेश दिया। भगवान ने पहले व्यक्ति से उसकी मनोकामना पूछी। उस कुरूप व्यक्ति ने कहा, प्रभु मुझको सुंदर बना दीजिए। भगवान ने चुटकी बजाई और वह व्यक्ति बहुत ही सुंदर हो गया। दूसरे व्यक्ति ने भी वही इच्छा व्यक्त की। भगवान ने उसको भी सुंदर बना दिया। इसी तरह एक के बाद एक सभी कुरूप व्यक्ति सुंदर होने लगे। अचानक पंक्ति में के अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति बहुत जोर जोर से हंसने लगा। वो पेट पकड़कर जमीन पर लोटपोट होने लगा। अभी कुछ लोग सुंदर बनना बाकी थे, परंतु वो अंतिम व्यक्ति जोर जोर से हंसता ही रहा। भगवान स्वयं उस अंतिम व्यक्ति के पास आए और कहा, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? तुम्हारी मनोकामना क्या होगी? उस व्यक्ति ने अपनी हंसी रोककर कहा, प्रभु मेरी इच्छा होगी कि आप इन सब लोगों को फिर से कुरूप बना दें। मित्रों, वैसे तो ये एक व्यंग्यात्मक कथा है, परंतु इसमें एक पाठ छिपा हुआ है। पंक्ति में अंतिम होना खराब नहीं होता। यदि आपकी बारी सबसे अंत में हो तो आपके पास समय होता है कि आप अपने से आगे के लोगों को देख सकें। यदि आप किसी समूह के अंत में हैं तो आपको अपने विचार प्रस्तुत करने से पहले अन्य लोगों के विचार जानने का अवसर प्राप्त होता है और आप उनके विचारों को ध्यान में रखकर अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। कहते हैं ना, अंत में बोलने वाला ही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। यदि आपको कष्ट न हो तो कृपया हमारे इन कथाओं के वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद।